सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इस कहानी में हमारी मंजिल तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वक्त की हेराफेरी ने एक गलत एक्सपीरियंस दे दिया हमें। आज हम लोग जाने वाले हैं बांग्लादेश बॉर्डर के काफी ही करीब एक छोटा सा गांव जिसे लोग धौकी के नाम से जानते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं धौकी। एक्चुअली धौकी इस विलेज का नाम है एंड जो रिवर यहाँ से बहती है उसका नाम गुमगोट रिवर है। तो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे हम लोगों ने लंच किया, प्रॉपर थाली जिसको बोलते हैं बंगाली थाली, तो वो हम लोगों ने खाया। एंड अभी हम लोग जाएंगे बोट राइड करने। यहाँ पे बोट राइड का सीन ये है कि एक बोट पे मैक्सिमम 6 पीपल्स आर अलाउड एंड टोटल 45 मिनट्स का बोट राइड होता है जो कि 700 तक चार्ज करता है। अभी तक हम लोगों ने टिकट नहीं काटा है, तो आगे जगह देखेंगे कि टिकट का प्राइस क्या होता है। एंड जो रिवर यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली दूसरी साइड में बांग्लादेश है, तो मैं लिटरली यहाँ से बांग्लादेशी लोगों को देख पा रही हूँ एंड वो लोग भी मुझे देख पा रहे हैं। वी कैन लिटरली टॉक टू ईच अदर, बट वही सीन है कि दूसरा देश है, बॉर्डर है बीच में, तो हम लोग बांग्लादेश जा नहीं सकते हैं, बट हम लोग बातचीत कर सकते हैं, सो क्लोज। तो बहुत अलग ही सीन है, लाइक अलग चीज़ है जो मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस करने मिल रहा है। एंड जो रिवर का जो वाटर कलर है, कलर तो भाई बहुत सुंदर है, इट्स गॉर्जियस, पूरा ग्रीनिश टाइप का कलर है। तो चलिए देखते हैं, मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी यहाँ का कैसा दिखता है धौकी रिवर। वैसे तो ये रिवर जाना जाता है इसके प्रिस्टीन ग्रीन क्लियर वाटर के लिए, जहाँ अगर आप दिसंबर से फेब तक आओगे तो रिवर के नीचे के पत्थर तक को आप देख सकते हो। खैर, उमगोट रिवर के अलावा यहाँ पे और एक चीज फेमस है, यहाँ का सस्पेंशन ब्रिज जिसे लोग धौकी ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो भाई ये था धौकी का यूट्यूब व्लॉग वाला साइट, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। तो बेसिकली 30 से 40 मिनट लाइन में लग के बोट का टिकट तो निकाल लिया था हमने, लेकिन बोट वाले ने हमें 10 मिनट में ही उतार दिया, जबकि बात तो 45 मिनट्स की हुई थी। तब मुझे याद आया, अच्छा ज्यादा लोग इक्वल टू ज्यादा पैसे इक्वल टू सस्ती राइड, ये वाला स्कैम हो गया हमारे साथ। खैर, हमारा गुस्सा आप आगे के पार्ट में ही देख लो। ये है एक्चुअल सीन धौकी का, एकदम इतना फालतू मैनेजमेंट मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा है। 45 मिनट बोल के बोलता है कि 30 मिनट लेके जाएंगे, ये है यहाँ का मैनेजमेंट। और ये वाला बोट तो आधे रास्ते में बोल रहा है कि नहीं जाएगा। भाई देखो, मैं तो जितने भी यूट्यूबर्स आ रहे हो ना इस जगह को, प्लीज मतलब फालतू की चीजों को मत दिखाना, दिखाया करो जो फैक्ट है वो दिखाया करो। ये नहीं कि इतना अच्छा है, ये है वो है, लसन मत दिखाया करो, ये सब मैं पहले से ही बता रहा हूँ। ओवर हाइप क्रिएट करके व्यूज के लिए ना मत किया करो ये सब, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये चीज, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक जब आती है ना उन लोग मिसलीड होते हैं ये सब चीजों से। अब ये मैं बोल रहा हूँ या फिर मेरे अंदर का गुस्सा, वो तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर आप धौकी जाने का प्लान कर रहे हो तो पब्लिक हॉलीडेज को बिल्कुल अवॉइड करना, वरना आप भी हमारे जैसा स्कैम में बुरा फंसोगे बॉस। खैर, जिंदगी में बुरे एक्सपीरियंस होने के बाद ही तो कुछ अच्छा होता है, ठीक वैसा ही हमारे साथ हुआ इस ट्रिप में। तो फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए नोमैडिक सोलमेट्स को।